सुपरहिट फिल्म दामिनी की रिलीज को 30 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म मीनाक्षी के करियर के लिए एक माइलस्टोन थी। दामिनी के साथ ही कई हिट फिल्मों में काम करने वाली मीनाक्षी अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें। नमस्कार, फिल्मी तराना चैनल के एक और नई पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मीनाक्षी का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में एक तमिल परिवार में हुआ था। वे भरतनाट्यम, कथक समेत चार तरह के नृत्य कला में माहिर थीं। मीनाक्षी ने मात्र 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। दामिनी, हीरो और घातक जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री आखिरी बार 1996 में आई फिल्म घातक में दिखाई दी थी। इसके बाद से ना तो उनकी कोई फिल्म आई और ना ही वो किसी बॉलीवुड पार्टी या फंक्शन में नजर आई। एक्ट्रेस होने के साथ ही बेहतरीन क्लासिकल डांसर मीनाक्षी ने लगभग हर बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया था। अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अनिल कपूर जैसे बड़े फिल्म स्टार्स उनके हीरो रह चुके थे। कहा जाता है कि फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी उस वक्त अपनी ज्यादातर फिल्मों में बतौर हीरोइन मीनाक्षी को ही लेते थे। इसका राज तब खुला जब एक दिन संतोषी ने मीनाक्षी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। हालांकि मीनाक्षी ने संतोषी का प्रपोजल तो ठुकरा दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने बॉलीवुड को भी अलविदा कह दिया। बॉलीवुड को अलविदा कहने के बाद मीनाक्षी ने हरीश मैसूर नाम के एक बैंकर से शादी कर ली। ये शादी न्यूयॉर्क में रजिस्टर कराई गई। दोनों शादी के बाद पूरे परिवार के साथ टेक्सास में ही रहते हैं। मीनाक्षी और हरीश के दो बच्चे हैं, एक का नाम केंद्रा और दूसरे का नाम जोश है। मीनाक्षी टेक्सास में क्लास चलाती हैं और समय समय पर अपनी पूरी टीम के साथ इवेंट्स का हिस्सा भी बनती हैं। वे कई बड़े कार्यक्रमों में अपनी टीम के साथ डांस कर चुकी हैं। कुछ सालों पहले वे एक्टर ऋषि कपूर से मिली थी, जब ऋषि कपूर अपना कैंसर का इलाज करवाने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, लेकिन उनके बदले रूप को ऋषि भी पहचान नहीं सके थे। पिछले कुछ समय से मीनाक्षी इंडिया में काफी बार दिखाई दी हैं और ज्यादातर समय पुणे में बिताती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि मीनाक्षी अपनी सेकंड इनिंग्स की शुरुआत करना चाहती हैं बॉलीवुड में। एक मीडिया इंटरव्यू में मीनाक्षी ने इसके लिए हामी भी भरी थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वैसे मीनाक्षी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मुझे काम करने का मोटिवेशन मिलता है। जल्द मुलाकात होगी एक और नई पेशकश के साथ। धन्यवाद।